ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल फिल्म्स में इंटीमेट सीन्स डालना आम बात है और आज के स्टार्स ऐसे सीन शूट करते वक्त बिल्कुल भी नहीं शर्माते, लेकिन पहले के समय में ऐसे सीन शूट करते वक्त काफी सावधानी बरती जाती थी, पर बेहद सिक्योरिटी के बाद भी कई बार ऐसे वाक्य सामने आए जहां सुपरस्टार्स इंटीमेट सीन्स के शूट के दौरान अपना आपा खो बैठे और उनकी को एक्ट्रेसेस का उनसे पीछा छुड़वाना मुश्किल हो गया। चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में। पहले नंबर पर है विनोद खन्ना। अपने समय के बेहद कामयाब स्टार रह चुके विनोद खन्ना ने अक्सर इंटीमेट सीन्स के दौरान अपना आपा खो दिया। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया उनकी फिल्म दयावान के दौरान, जिसमें उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ इंटीमेट सीन शूट करना था। सीन शूट करने के दौरान विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने माधुरी के होठ ही काट दिए। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद विनोद खन्ना को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तीसरे नंबर पर है रंजीत। अपने समय के सबसे शानदार विलन रह चुके रंजीत के बारे में भी कई वाक्य ऐसे सामने आए हैं जिन्हें सुनकर और देखकर उनकी आलोचना की गई। ऐसा ही एक वाक्य हुआ था फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के दौरान। इस फिल्म में रंजीत को माधुरी दीक्षित के साथ रेप सीन फिल्माना था। सीन के दौरान रंजीत ने माधुरी के साथ बहुत बदतमीजी की, जिसके बाद माधुरी को काफी मशक्कत करके रंजीत से छुटकारा मिला। इस सीन के बाद माधुरी ने काफी समय तक रंजीत से कोई बात नहीं की। इसके बाद रंजीत ने खुद जाकर माधुरी से माफी मांगी। चौथे नंबर पर हैं दिलीप ताहिल। दिलीप ने अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है, पर अक्सर दिलीप रोमांटिक सीन्स के दौरान बहक जाते थे। ऐसा ही एक वाक्या हुआ जयप्रदा के साथ एक छेड़छाड़ का सीन शूट करवाते समय। दिलीप ने सीन के दौरान जयप्रदा को बेहद गंदे तरीके से छुआ और उनके एसेट्स को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद जयप्रदा ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद दिलीप ने खुद उनसे माफी मांगी और काफी मनाने के बाद जयप्रदा ने उन्हें माफ किया। पांचवे नंबर पर है प्रेमनाथ। 60s की हिट फिल्म द गोल्ड मेडल में प्रेमनाथ एक विलन का रोल अदा कर रहे थे। उन्हें एक सीन में फिल्म की अभिनेत्री गुलजार को सोफे पर गिराना था और उनके साथ जबरदस्ती करनी थी। जब ये सीन फिल्माया जा रहा था तो प्रेमनाथ अपना आपा खो बैठे और उन्होंने गुलजार को बहुत बुरी तरह जकड़ लिया और उन्हें सोफे पर गिराकर उनके साथ बदतमीजी करने लगे। पूरे सीन में कोई कट नहीं बोला गया और वहां खड़े सभी स्टार्स हंस रहे थे, जिसे देखकर गुलजार को गुस्सा आ गया। इसके बाद उन्होंने पहले खुद को छुड़वाया और फिर फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर की माफी मांगने पर गुलजार ने फिल्म में वापसी की।